से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऊना दौरा, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे सीएम। यहां पर गंगरेट विधानसभा में रखेंगे आधारशिला और 5 मेगावाट सोलर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। तो मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऊना का यह दौरा रखेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी प्रदीप, सीएम के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और यहाँ पर भांजल में और दियोली में अलग अलग स्थानों पर इनके कार्यक्रम है। और अगर खासतौर पर भांजल की बात करें तो यहाँ पर 5 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, उसका नींव पत्थर मुख्यमंत्री रखेंगे। और इसके साथ साथ जो आर्ट फिशरीज ट्रेनिंग सेंटर है वो दियोली में यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसका भी नींव पत्थर मुख्यमंत्री यहाँ रखने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा और गगरेट विधानसभा क्षेत्र का ये दौरा हो रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री यहाँ पर कर सकते हैं। और उपचुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री का पहला दौरा है यहाँ गगरेट का, तो यहाँ बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ की स्थानीय जनता को, और उसमें देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ जाकर बड़ी घोषणाएं क्या करते हैं। अच्छा, उपचुनाव के बाद जिस तरह से सीएम का पहला दौरा है, जिस तरह से सौगात भी देने वाले हैं, परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं, किस तरह का एक कार्यक्रम रखेगा, कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। और 4:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ गगरेट के भांजल पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों कार्यक्रम होने हैं। और शाम को 5:45 बजे मुख्यमंत्री शिमला पहुंचेगी और मुख्यमंत्री भी क्योंकि अगले कल कैबिनेट बैठक में यहाँ पर हिस्सा लेना है तो इसलिए आज शाम को यहाँ पहुंच रहे हैं। और अभी चुनावों में मुख्यमंत्री बिजी थे, इस वजह से शिमला के दौरे नहीं हुए हैं और पूरे चुनाव को निपटा कर यहाँ पहुंचेंगे। और जो रिजल्ट है 13 जुलाई को 3 उपचुनाव के आने हैं उसको भी शिमला से ही सुनेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राबता होगा प्रदीप।